28 साल मासूम बच्ची के साथ कंट्रोल में बलात्कार करके मार, उसी तरीके से मंजूरिया में लगातार घटना, डर और खौफ नाम की चीज शासन में ना हो और ये आम बात बन जाए, सोसाइटी के लिए भी आम बात बन जाए, सरकार के लिए भी आम बात बन जाए। जो परिस्थितियां हैं मैं उसमें सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस रेपिस्ट बिहार एंड मर्डरर बिहार एंड भ्रष्ट बिहार, ये जो बिहार है ना इसका नाम रख दीजिए आप रेपिस्ट एंड मर्डरर बिहार, माफिया एंड भ्रष्ट बिहार, ये दो नाम के लिए ही बिहार की स्थिति, सुशासन बाबू एंड हालात जो हैं जिस तरीके से। दूसरी बात, डर नाम की कोई चीज ना रह जाए, वीडियो बनाना, वीडियो बना के वायरल करना, इससे बड़ा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता और इसके लिए कोई गवाह की अब जरूरत नहीं। जब वीडियो बनी हुई है तो वहां गवाह नहीं बचता। एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर चला के उसको कम्प्लीट उसे पॉस्को एक्ट लगाए और फांसी की सजा होनी चाहिए। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है सर, 2019 में दुनिया का नंबर वन क्राइम हुआ इस बिहार, वो रैंक है पूरे भारत सरकार का रिपोर्ट है कि 44,000 से ऊपर मर्डर हुए, लगभग 18,000 बलात्कार हुए। मैं यदि गिनती कराने लगूं भगवान भी कांप जाए, इतना हत्या और हमने इतनी बलात्कार की घटनाएं देख ली, शरीर लगता है कि जहर हो चुका है इन सब चीजों से। अपराध, कोरोना वायरस और बाढ़ इस बिहार में, और 3 चीज के अलावा बचा क्या है, क्या बीतता होगा जिसके जवान 2 बच्चे हैं, माँ के समान 55-50 साल की महिलाएं, उसके बाद विडो, ऐसे लोगों को तो अविलंब 72 घंटे के अंदर फांसी दे देने की जरूरत है।